अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। जब ईद पे सब गेस्ट आए थे, मैंने बनाई थी तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसकी बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ डिफरेंट ईद के व्लॉग्स से रिलेटेड कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, इफ़ यू आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हफ्सा और उमर के ईद के ड्रेसेस, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर की थी तो उन्होंने पहने हुए थे। मैंने कहा चलेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हफ्सा ने उमर को ईदी दी थी और दोनों माशाल्लाह से बहुत खुश थे, बहुत अच्छी सी बच्चों ने ईद सेलिब्रेट की थी। इसके बाद ये है हफ्सा का ड्रेस और मेहंदी, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो ड्रेस है ये मैंने खुद स्टिच किया था, इसकी डिज़ाइनिंग मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, तो मैंने सोचा कि इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ईद पर जो है हफ्सा पहनकर अच्छे से रेडी हुई थी। तो आप सबने माशाल्लाह कहना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा। चलें जी, अब बनाते हैं मज़ेदार से चिकन टिक्का बिरयानी। और उसके लिए यहाँ पर धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च साबित दोनों ले ली थी, और इसके अलावा इसमें बादियान के फूल लिए थे, बड़ी इलायची ली थी और इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट किया था और उसके बाद पीस कर इसका पाउडर बना लिया था। इसकी मैरिनेशन रेडी करते हैं। मैरिनेशन के अंदर जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो पीसे हैं, और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और इसके अलावा 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक आपने शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर लेमन जूस ऐड करना है, अगर लेमन जूस अवेलेबल ना हो तो फिर आप सिरका शामिल कर लीजिएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही लिया है। आपने टिक्का बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा दही शामिल नहीं करना है, यानी कि 1 पाव आप दही ले लीजिए, हाफ जो है वो हम इसकी मैरिनेशन में ऐड कर देंगे और हाफ जो है वो आगे चल के ऐड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस स्टेज पे ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर लेना है मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल से चिकन टिक्का बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसके बाद इसके अंदर चिकन के जितने भी पीसेस थे अच्छे से इनको मिक्स किया है, मैरिनेट किया है, और 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर आपने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड करना है, टोटली ऑप्शनल है अगर आपको पसंद हो तो। जो बिरयानी के अंदर हम ज़रदा कलर ऐड करते हैं, थोड़ा सा आप इसके अंदर वो शामिल कर दीजिएगा, उससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बस ये तमाम मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसको एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, अपने ही पानी में पक जाएगी और अच्छे से टेंडर हो जाएगी। उसके बाद हमने चावल बॉयल करते हैं, उसके लिए मैंने पानी यहाँ पर बॉयल करने के लिए रख दिया और इसके अंदर शामिल कर देना है चावल जो है वो। आप 20 से 25 मिनट के लिए भिगो लीजिएगा, आपके चावल जो है उनकी क्वालिटी के हिसाब से कि आप कितनी देर उसको भिगोते हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा उसे। और उसके बाद यहाँ पर शामिल कर देना है 3 से 4 टेबल स्पून सिरका, और उसके बाद नमक शामिल कर देना है 5 से 6 टेबल स्पून आपने नमक शामिल कर देना है। और उसके बाद इसके अंदर ऑयल आपने ज़रूर शामिल करना है। ऑयल शामिल करने से ये होता है कि बिरयानी का जो चावल है वो चिपकता नहीं है, सेपरेट रहता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पर हफ्सा का ड्रेस है, जो मैंने आपसे ईद के ड्रेस डिज़ाइनिंग के अंदर शेयर किया था, तो हफ्सा ने ड्रेस अपना चेंज कर लिया था, तो मैंने सोचा कि चले इसकी भी छोटी सी वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो वो कह रही थी कि मुझे जो है ना ड्रेस चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि चले मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर जो है वो चिकन हमारी रेडी हो गई है और ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। बहुत अच्छे से चिकन रेडी हो गई थी और बहुत मज़े की लग रही थी। इसके बाद टमाटर जो है वो ऐड कर लेने हैं। टमाटर आपने ब्लेंड कर लेने हैं, उनका छिलका उतार लेने हैं और उसके बाद उसका इस तरह से पेस्ट बना के उसको कुक करने के लिए रख लेना है। यहाँ पर हफ्सा किचन में थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, क्योंकि ईद पे दोपहर के टाइम में थोड़ी सी बोर हो रही थी, तो कह रही थी मैं चलें किचन में आके आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। तो यहाँ पर टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑयल गर्म करना है और उसके अंदर लहसुन आपने शामिल कर देना है 1 से 1.5 टेबल स्पून, और उसके बाद इसके अंदर प्याज शामिल कर देने हैं, और जो स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी बहुत फास्ट फॉरवर्ड की है, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको रेसिपी समझ नहीं आएगी, तो इसलिए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है बिना स्किप किए हुए। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च और इसके अलावा 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दी थी, और इसके अलावा इसके अंदर छोटी सब्ज़ी इलायची खोलकर वो शामिल कर दी थी, और इसके अलावा इसके अंदर तेज़पात शामिल कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। प्याज़ों का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइट कलर ही रखना है बस। अच्छे से जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो जो ऑलरेडी हमारी पकी हुई चिकन थी हमने वो शामिल करनी है। पहले हमने टमाटर का पेस्ट शामिल करना है, उसके बाद 1/2 पाव हमने इसके अंदर दही शामिल कर देना है, उसके बाद धनिया और पुदीने के पत्ते शामिल कर देने हैं, हरी मिर्च शामिल कर देनी है 5 से 6, और चिकन जो है वो ऑलरेडी हमने कुक की हुई थी वो उसके अंदर शामिल करके इसको बस हल्का सा मिक्स करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो पकी हुई तो इसको इतना ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको बिरयानी कैसी लगती है आपने मुझे ज़रूर बताना है। और बिरयानी किस किस को पसंद है, हमारे घर में तो बहुत फेवरेट है, स्पेशली हफ्सा को तो बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको बिरयानी पसंद है या पुलाव पसंद है, आप क्या चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं और आपके घर में बच्चे क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद इसके अंदर चावल शामिल कर दिए थे जिनको हमने 2 कनी तक बॉयल करना है और उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने दम पे रखने हैं। दम पर रखने से पहले सबको ही पता है कि बिरयानी के अंदर जर्दा रंग ज़रूर शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड की हुई थी क्योंकि अगर मैं डिटेल वीडियो बना दी तो फिर ईद व्लॉग कंप्लीट नहीं होता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने कहा सिंपल स्टेप सबको पता होते हैं। बस जो मेन इसका था वो मैरिनेशन वगैरह का और कुकिंग मेथड था जो बिल्कुल डिफरेंट था, तो वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है। अब ये होगी डिश आउट, इसमें तो आप देख सकते हैं हमारी टिक्का बिरयानी कितने मज़े की बनी है, आप ये देख के ही पता लगा सकते हैं। तो अभी हम ये खाएंगे और आपको बताएंगे कैसे बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी डिश आउट कर रहे हैं और बस ये मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी डिश आउट हो गई है और अब सर्विंग करेंगे। और इसके बाद इसके साथ मैंने बना लिया था रायता और सलाद वगैरह, बहुत ज़्यादा हैवी लंच हमने नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी हमने नाश्ता काफ़ी हैवी कर लिया था और उसके बाद ईद पे मीठा वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्जॉय किया था और भी डिफरेंट चीज़ें, तो इसलिए लंच का कोई इतना ज़्यादा मूड नहीं था, तो सिंपल एक ही बिरयानी बनाई थी। और फिर शाम में जो है वो गेस्ट ने भी आना था तो इसलिए हमने सोचा कि बाकी जो है वो शाम में देख लेंगे। इसके बाद बस फूफो आ गई थी मिलने के लिए ईद और वो मिठाई वगैरह लेकर आई थी। आपको पता है कि ईद पर मिठाई और केक ना हो तो ईद तो वैसे ही नामुकम्मल होती है, तो यहाँ पर मेरी फेवरेट जो है ये चॉकलेट बर्फ़ी है और इसके अलावा गुलाब जामुन है और इसके अलावा पतीसा जो है वो उमर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मिठाई के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है। बस यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा खेल के कूद के इंजॉय किया और उसके बाद ये टीवी वगैरह देख रहे थे। इसके बाद ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं आपके साथ मैंने सोचा कि चलिए छोटी सी क्लिप बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ और मेहंदी वगैरह भी शेयर कर लेती हूँ, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और डिनर में बना लिए थे शामी कबाब जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ या फिर आई बटन में ऐड कर दूँगी, तो आप ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको शामी कबाब पसंद है तो आप इस रेसिपी पर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके बाद बना ली थी साथ में मैक्रोनी और इसके ऊपर मैंने अपनी फेवरेट सॉस जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी, उसके साथ मैंने केचप स्प्रेड कर दिया था अच्छे से और इसके साथ ओरिगानो ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में बना ली थी कढ़ाई झटपट से बहुत ही मज़ेदार सी क्योंकि ईद पर जब गेस्ट आए होते हैं तो बिल्कुल मूड नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड करें, तो बस झटपट इंस्टेंट से ये मैंने चीज़ें बना ली थी। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपकमिंग और भी डिफरेंट व्लॉग है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।